पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट यानी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम पैरे और आप देख रहे हैं पैरे विद पीसी यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस आपको लिख देना है क्योंकि ये हरियाणा का करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के बारे में आपको बता रहे हैं। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और पहले ही ब्लू लिंक पर क्लिक कर देना है, वेलकम टू हरियाणा पुलिस। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपके पास क्योंकि अभी यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्रिएट सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। अगर मिडल नेम है तो यहाँ पर आपको लिखना है, अगर मिडल नेम नहीं है, लास्ट नेम है तो यहाँ पर आप लास्ट नेम लिख सकते हैं, वरना आप फर्स्ट नेम ही लिख सकते हैं अगर आपका केवल फर्स्ट नेम ही है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना जो आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपका क्या जेंडर है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इस बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पर हाउस नंबर फिल करना है। इसके बाद आप अगर हाउस नंबर और यह चीज़ें छोड़ना चाहते हैं तो इन्हें आप रहने भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना यहाँ पर विलेज टाउन या आप सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम, विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम। यहाँ पर आपको अपनी तहसील या ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में आपको आप यहाँ पर पहले आप अपनी बर्थ सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप अगर गांव में पैदा हुए हैं तो आप अपने गांव का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वरना आप सिटी का नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे में आपको दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है इस बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स में। डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उस मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स ओटीपी जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको आईडी टाइप में सेलेक्ट करना है कि आप किस चीज़ से बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको आईडी नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कंट्री और स्टेट तो सेलेक्ट है ही, आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको खुद से डालना है। लॉगिन आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर आप कोई और नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, आपको यहाँ पर मर्जी से डालना है। आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स पासवर्ड में आपको पासवर्ड किस प्रकार बनाना है, आपको पासवर्ड बनाना है पहला अक्षर आप बड़ा लिखिए, इसके बाद आप अपने नाम के छोटे अक्षर लिख सकते हैं, इसके बाद एट द रेट का सिंबल लगा के एक दो दिन आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कन्फर्म पासवर्ड में भी आपको वही पासवर्ड लिखना है जो आप यहां पर पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स आईडी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, जो यूजर नेम आपने बनाया हो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर फिल करना है और ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अगर फोन से कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार की एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के तीन ऑप्शन ओपन होंगे। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट।
तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और इस पर क्लिक करके आपको OTP जनरेट करना है, यानी ऑथेंटिकेट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप रहने भी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी जो नाम है वो कंप्लीट चेक कर लेना है कि आपने सही डाला है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट आईडी रिलेटिव आईडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप फादर का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर सेलेक्ट करने पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम फिल कर देना है। फ्रेंड्स अगर आप आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करते हैं तो ये डेटा अपने आप उठा लेगा। फ्रेंड्स अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको ऑथेंटिकेट जरूर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप रिलेटिव आईडी सेलेक्ट करनी है। सेकंड रिलेटिव आईडी में आपको यहाँ पर आप सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिख देना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब के लिए तो आपको यहाँ पर जॉब के लिए आपको लिख देना है फॉर जॉब या फॉर प्राइवेट जॉब, इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पर्पज लिखना है कि आप किस पर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप अगर प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर प्राइवेट जॉब लिख देना है। CSE के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फॉर CSE। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मोड सेलेक्ट करना है। मोड में फ्रेंड्स आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको वायरलेस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईडी नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, सेकंड रिलेटिव नेम, आप सेल्फ सेलेक्ट करेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है क्योंकि पहले से ही भरी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाल दी थी। इसके बाद ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आप की कितनी एज हो चुकी है। एड्रेस जो आपने डाला है वो कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। आपकी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिन कोड, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कब से इस स्थान पर रह रहे हैं जो आपने डाला है। अगर आप बर्थ प्लेस से जब से आपका जन्म हुआ है जब से रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो एज कैलकुलेट की है बर्थ के नीचे वो यहाँ पर आपको ईयर और मंथ डाल देना है। यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफिस नेम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नोट शीट फिल करनी है। नोट शीट में आपको फिल करना है कि सर प्लीज़ अप्रूव माई करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर प्राइवेट जॉब, जिस भी कार्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो आपको यस करके उसकी डिटेल डालनी है, अगर नहीं है तो आपको नो रहने देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी अदर के लिए, तो आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है। आपको यहाँ पर टिक लगा के और आपको क्या करना है, आपको सेव या सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। आपको सबमिट पर क्लिक सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप पेमेंट किस मोड से देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिटीजन पर सेलेक्ट रहने देना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ₹50 की पेमेंट देनी है। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना, चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी मोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, UPI ID या फिर आप अपनी नेट बैंकिंग से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। फ्रेंड्स फीस काटने के बाद जब आप अपना स्टेटस चेक करना चाहें तो आपको क्या करना है, स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तीसरे वाले पर, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स अप्लाई करने के बाद तुरंत आप यहां पर स्टेटस देखेंगे तो यहां पर आपको पेंडिंग मिलेगा,
इसके बाद जब आप आपका जो सर्टिफिकेट है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो 4 से 10 दिन के अंदर अंदर बन जाएगा, और बनने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का शो होगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जनरेटेड। यहाँ पर आपको एक्शन में जनरेट रिपोर्ट मिलेगी, इस पर आपको ब्लू जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है, और आप अपना यहाँ से क्लिक करते ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार आप बना सकते हैं और 4 से 10 दिन के अंदर बन जाएगा, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टेटस वाले ऑप्शन से। यहाँ पर आप अपना लगातार स्टेटस भी चेक करते रह सकते हैं। इस प्रकार आपको बनाना है फ्रेंड्स। बनाने के बाद आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि कमेंट आती रहती हैं कि हमें पुलिस स्टेशन जाना तो नहीं है, या फिर पुलिस स्टेशन से कोई व्यक्ति तो नहीं आएगा। आपको कहीं नहीं जाना है और न ही पुलिस स्टेशन से कोई आएगा। आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र अप्रूव कर दिया जाएगा कि इस बंदे के ऊपर कोई भी केस नहीं है। इस प्रकार आपका जो पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो 4 से 10 दिन के अंदर बन जाएगा। बनने के बाद एक्शन रिपोर्ट में यहाँ पर आपको जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन दे दिया जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, इस प्रकार आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने किसी भी कार्य के लिए इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर टिकट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय हरि।